नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र में लंबी खींचतान के बाद गठित उद्धव ठाकरे की सरकार के सामने पहली चुनौती विधानसभा के पटल पर विश्वास सम्मत हासिल करना है। इसे देखते हुए शनिवार 30 नवंबर को विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। इस दौरान शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी की गठबंधन वाली सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। हालांकि तीनों दलों के पास कागजों पर साधारण बहुमत हासिल है। अलवर जिले के उद्योगनगर थाना इलाके में जमीन के विवाद को लेकर एक व्यक्ति की धारदार हथियारों से गर्दन काटकर नरसंहार हत्या कर दी गई। आरोपियों ने उसके गर्दन काटने के बाद हाथ भी काट दिए। हत्या की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मृतक के शव को अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार हत्या की वारदात उद्योगनगर थाना इलाके के सालपुरी गांव में शुक्रवार शाम को हुई। सालपुरी निवासी राधेश्याम यादव अपने परिवार में अकेला था। उसका जमीन के विवाद को लेकर भाई विक्रम यादव से झगड़ा चल रहा था। करसाना में सिमाजन कल्याण समिति व रक्त कोष फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, संस्थापक व प्रबंधक निदेश रक्त कोष फाउंडेशन के 38वें जन्मदिवस पर विशाल रक्तदान शिविर रक्तदाता सम्मान समारोह लॉयंस क्लब में आयोजित हुआ। अमरदीप अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विशाल रक्तदान शिविर में कुल 150 यूनिट लोगों द्वारा रक्तदान किया गया। बारा के चीपा बड़ोद के बारखेड़ी में मिले एक मगरमच्छ को ग्रामीण और वनकर्मियों ने बड़ी मशक्कत के साथ पकड़ा। वनकर्मी रमेश और महेश ने बताया कि बारखेड़ी निवासी ब्रजराज मीणा ने वनकर्मियों को गांव में मगरमच्छ होने की सूचना दी थी। जिस पर वनदल की टीम दुर्गम रास्तों से होती हुई जंगल के रास्ते वहां पहुंची और अन्य एक घंटे के लगातार मशक्कत से मगरमच्छ को काबू में पाया गया। राजस्थान में रायशनगर के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार संविधान सप्ताह के अंतर्गत पैरा लीगल वॉलंटियर अभिषेक प्रजापति द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रायशनगर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पीएलवी अभिषेक प्रजापति ने विद्यालय की बालिकाओं को हमारे भारतीय संविधान के प्रति जागरूक करते हुए संविधान की प्रस्तावना व मूल कर्तव्यों की जानकारी दी और बताया कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चूरू के बिदासर में जैन मुनि श्री लाभ रुचि के पधारने पर नोखा सीकर स्टेट हाईवे नंबर 20 स्थित 13 पंथ द्वार पर बालपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष जयप्रकाश बेंगानी व संजय बेंगानी ने लाभ रुचि संत का स्वागत सत्कार कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर जैन मुनि ने बताया कि बिदासर मेरी तपोभूमि व राजल देसर मेरी जन्मभूमि है, इसलिए मैं नवकार धाम से चतुरा मास समापन कर कुछ स्थानों पर विहार कर अब बिदासर पहुंचा हूं। मैं बिदासर में बने विशालकाय जैन मंदिर के दर्शन करने आया हूं। बिलाड़ा निकटवर्ती राजकीय माध्यमिक विद्यालय खारिया नवास में कक्षा नवमी में अध्ययनरत 18 बालिकाओं को राज्य सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण आयोजन के तहत साइकिलें वितरित की गई। इस अवसर पर रावनियाना सरपंच साहिबा दीपक चौधरी ने सभी बालिकाओं को जीवन में जनकल्याणकारी योजनाओं का सदुपयोग करते हुए शैक्षणिक संस्थानों का बेहतर उपयोग करने का आह्वान भी किया। जोधपुर के ओरसिया के तिवरी कस्बे में शुक्रवार रात को बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को लूटने की कोशिश की, जिसमें 3 लोग होने की आशंका जताई जा रही है। शनिवार को सुबह से ही लोगों का जमावड़ा लगा रहा। पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया, सीसीटीवी फुटेज में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ओसिया के चिराई में जोधपुर जाने वाली रोडवेज बस का एक्सीडेंट हो गया, उसमें 2 यात्री घायल हो गए। उसमें आयदान राम पुत्र केसरा राम गोदारा उम्र 60, ईसरी पुत्र गोर्धन राम उम्र 18, ईसरी की अंगुलियां कट गई।
जिसमें चराई के प्राथमिक उपचार द्वारा करने के बाद जोधपुर रेफर किया गया। उसमें तुरंत प्रभाव से यात्री किशोर सिंह कंचन कंवर ने 108 पर फोन करके एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भेजा। ग्रामीण निवासी पहुंचे और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पाली के सोजे थाना पुलिस को राज्य स्तरीय कंक्रीट मिक्सर व जनरेटर चोरी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। पुलिस के अनुसार मोड़ भट्टा चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान 3 युवक पिकअप गाड़ी के पीछे जनरेटर बांधकर ले जा रहे थे, जो कि संदिग्ध लगने पर पूछताछ की तो वो घबरा गए और संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे सके। जोधपुर के बिरामी बिजली विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अभियंता सौरभ कुमार के नेतृत्व में खेजरली व लूनी डिस्कॉम के गांव खेजरली, सांगासनी, बिरामी, नया सजड़ा व बठिंडा सहित आधा दर्जन गांवों में विद्युत विभाग की टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के तहत 3 में आधा दर्जन गांवों में अवैधानिक रूप से चल रहे विद्युत कनेक्शनों की जांच की गई, जहां टीम ने कनेक्शन काटे जाने के बाद दोबारा बिना बिल भुगतान किए बिजली का उपयोग कर रहे हैं। वहीं 50 बकाया राशि के उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटे और 20 विद्युत चोरी के प्रकरण पकड़े। प्रतापगढ़ के धरियाबाद से 14 किलोमीटर दूरी सीता माता सेंचुरी के आरामपुरा गेस्ट हाउस की बाउंड्री वॉल पर दोपहर की पैंथर दिखाई दिया। बताया गया कि इन दिनों धरियाबाद से बांसी जाने वाले मार्ग पर आरामपुरा के आसपास पैंथर लगातार दिखाई दे रहा है। विगत दिनों पत्रकार गेंदमल पालीवाल को रात्रि 9:30 बजे करीबन आरामपुरा से 2 किलोमीटर आगे रोड किनारे पैंथर महज 8 फीट की दूरी पर दिखाई दिया। इसी तरह दो दिनों दोपहर व शाम को भी पैंथर दिखाई दे रहा है, जिसे राहगीरों में दहशत है। पाली के सौजत के मोड़भट्टा क्षेत्र में शुक्रवार देर रात्रि को निजी बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार नागौर से बगड़ी के बीच चलने वाली निजी बस सौजत के मोड़भट्टा चौराहे के पास आगे चल रही टेम्पो को ओवरटेक करने के चक्कर में टक्कर मार दी, जिसे टेम्पो चालक सौजत निवासी हेम सिंह व सवारी आनंदपुर कालू निवासी सुभाष प्रजापत की मौके पर ही मौत हो गई और टेम्पो भी क्षतिग्रस्त हो गया। नागौर के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय डे में भामाशाह परिवारों ने स्वेटर, म्यूजिक सिस्टम व दरी पट्टियां भेंट की। वरिष्ठ अध्यापक प्रकाश मेहरा ने बताया कि डे के भामाशाह मांगीलाल जी धनराज जी बेतोला परिवार ने जरूरतमंद बच्चों को 45 स्वेटर भेंट किए। इसी प्रकार भामाशाह सागरमल संपत लाल जी हुक्मी चंद जी लुंकड़ परिवार की तरफ से विद्यालय में म्यूजिक सिस्टम व 50 दरी पट्टियां भेंट की गई। भामाशाह प्रेरक प्रकाश चंद जी बेद गौतम खोड़ावत धनजी भंडारी व पूर्व डीएसए हनुमान टोगसिया व वरिष्ठ अध्यापक नागरमल बारूपाल ने भामाशाह परिवारों की तरफ से विद्यालय को आगे भी सहयोग करने का आश्वासन दिया। फिलहाल गांव शहर बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज।